हेलो एवरीवन, चार्ट ऑन व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आए हैं करोल बाग में मॉडिफिकेशन कराने अपने जो पैनियर्स की, और पैनियर्स मेरे पिछली बाइक के हैं डोमिनार के, और उसका फ्रेम भी डोमिनार से मैंने उतरवा लिया था, और अब अपनी जो KTM एडवेंचर 390 पे मैं फिट कराने आया हूँ। और इसको मैंने लास्ट ईयर जो हैज रोड पे अपना राजू भाई हैं मॉडिफिकेशन करते हैं अपना पैनियर, ये मतलब कि फ्रेम वगैरह बनाते हैं और क्रैश गार्ड बनाते हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उनके पास मैं दोबारा आया हूँ। और अब हम अपनी बाइक पे अपना जो ये फ्रेम फिट कराएंगे और इसके बाद हमारा जो पैनियर उस पर फिट हो जाएंगे। तो चलते हैं राजू भाई के पास और देखते हैं कि कैसे फिटिंग करते हैं। तो हम पहुँच गए हैं फैज रोड पे, ये सामने है सिद्धि विनायक मेडिकल स्टोर। और ये हमारे पैनियर नहीं, मेरे नहीं है ये, देखिए ये है राजू भाई, और ये हमारा पैनियर और उसके फ्रेम, और ये हमारी KTM एडवेंचर 390। तो यहाँ पे अब हम मॉडिफिकेशन कराने आए हैं अपनी पैनियर्स का और फ्रेम का, तो ये अपना मॉडिफाई करके इस पे लगाएंगे। ये मेरे जो फ्रेम है ये डोमिनार बाइक के हैं, और मैंने लास्ट ईयर ही अपने राजू भाई से इनको बनवाया था, तो अब इसको KTM में हम फिट करा रहे हैं मॉडिफाई करा के। कैसे हैं राजू भाई? ठीक है। तो हमारे पैनियर्स हैं और फ्रेम आपको दे दिए हैं, लास्ट ईयर आपने मेरी डोमिनार पे बनाए थे, बहुत ही बढ़िया लगे, तो आज हम लाए हैं अपनी KTM बाइक, तो इस पर अब हम मॉडिफाई कराएंगे। तो कैसे करेंगे अभी अपने पुराने? अभी आना हमारा जो फिटिंग है फिटिंग काट देंगे। अच्छा, वही फिटिंग दूसरी बनाकर। अच्छा, फिटिंग कर देंगे तो बढ़िया मजबूत। कितने सूट की पाइप होती है इसमें? वो आप 14 गेज की पाइप लगाएंगे। 14 गेज की पाइप काफ़ी मजबूत होती है, गिरने पे भी कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़िया, एक साल तो हो गया आपसे टूटा था। हाँ, टूटा नहीं है, बढ़िया था। तो चलो देखते हैं। तो अब हम अपनी KTM बाइक पे मॉडिफाई कराते हैं। तो गाइस ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया है, और यहाँ से वेल्डिंग करी है इन्होंने, यहाँ से और बीच में सेंटर में, ये दो चीज़ इन्होंने काम करे हैं, और एक एक्स्ट्रा जो इसके बीच में सेफ्टी के लिए एक पत्ती लगाई है वो भी अभी बना के रखी हुई है। और इनकी कोटिंग भी होगी ना, पाउडर कोटिंग होगी है, तो अभी फिटिंग करवा लेते हैं। हमारा काम हो गया है, हमने अपने बॉक्स पैनियर फिट करा लिए हैं, और ये हमारा फ्रेम लग गया है, फ्रेम के ऊपर हमने पैनियर फिट करा लिए हैं, और ये हमारा। तो अब हम जा रहे हैं सीधा अपने घर को। तो आपको ये टूरिंग मोड कैसा लगा मेरी KTM एडवेंचर 390 पे, मुझे कमेंट करना। कुछ भी आपकी क्वारी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो मुझे आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो जाट ऑन व्हील है, जाट ऑन व्हील नॉट व्हील्स, तो उस पर जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरा रिप्लाई करूँगा आपको। और ये राजू भाई वेल्डर जो करोल बाग फैज रोड पे हैं, इनका भी मैं मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको कुछ भी मोटिवेशन करानी हो अपनी बाइक में तो आप करवा सकते हैं।